मीर बताओ ना क्या सरप्राइज है, मुझसे बॉर वेट नहीं होता प्लीज। ऐसा सरप्राइज है कि तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सच्ची? मेरे लिए है। कैसा लगा सरप्राइज? एकदम सुपर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे बुद्धू ये असली सरप्राइज नहीं है, और भी है। बेबी क्लोज योर आईज। नहीं पहले बताओ क्या सरप्राइज है। जस्ट क्लोज करो ना आईज, नाउ ओपन। अरे वाह गुलाब भी लेके आए हो, क्या बात है। ये गुलाब नहीं है, इसमें तुम्हारे लिए और भी कुछ है। मीर तुम भी ना, मुझे देखने दो क्या सरप्राइज है। ओह माय गॉड, तो मिस स्नेहा कुमार क्या आप अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना पसंद करेंगी? नहीं, सिर्फ यही जिंदगी नहीं बाकी सातों जन्म भी। जी सर, क्या लाऊं आपके लिए? पैसे, पैसे मिलेंगे? पैसे? कैसे पैसे सर? मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे चाहिए मुझे प्लीज। मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े पैसे दीजिए। अजीब आदमी है, सूट बूट पहन के वेटर से पैसे मांग रहा है। दिखने में तो ठीक ठाक घर का लगता है, पता नहीं क्यों। सर पैसे चाहिए मुझे, मुझे सच में पैसे चाहिए प्लीज, थोड़े पैसे दे दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ओ भाई साहब थोड़े पैसे दीजिए प्लीज, मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत जरूरी है, उसको लेकर जाना है नहीं तो मर जाएगा वो। किसको लेकर जाना है, कहाँ लेकर जाना है? अरे वो उधर देखो मर रहा है। प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ा हूँ आप सब लोगों से, आप सबसे हाथ जोड़ा हूँ प्लीज, मुझे मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए प्लीज। अरे भाई साहब क्या हुआ, कौन मरने वाला है? वो देखो उधर उधर वो मर रहा है, उसको ट्रीटमेंट चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है प्लीज। आप में से कोई पैसे दे दो यार। अच्छा चलो दिखाओ कहाँ है वो। तुम्हें इतनी दवाइयाँ भी चाहिए होती है? हाँ भैया वो एक दवाई देना, हाँ वो रेड वाली। और कुछ? नहीं नहीं बहुत हो गया, आप तो बिल बनाइए। हाँ ये भी खत्म है। बाप रे। अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब, इतना पास क्यों खड़े हैं, जरा दूर हट के खड़े होइए ना। एक काम कीजिए टोटल कितने हुए और उसका पैसा भी ऐड कर दीजिए। जी। और इन सब बदतमीज एक बार समझाया ना तुझे। इतनी हिम्मत मेरी बीवी को छोड़ दे, ऐसे कैसे रहने तू, इन जैसे लोगों की वजह से देश में लड़कियां अकेले घूम नहीं पाती हैं। इसको तो आज मैं सबक सिखा दूं। इसकी तो सांसें नहीं चल रही हैं, मर चुका है। चलो तुम यहां से, कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक सीआईडी नहीं आ जाती। उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था ना यार, अभी तक नहीं आए, उनका फोन भी नहीं लग रहा। तू टेंशन मत ले यार, शायद कहीं अटक गए होंगे, आ जाएंगे डोंट वरी। ओह नो क्या हुआ? वो देख रूपा चाची। अरे यार मुंह छुपा ले नहीं तो फिर से पीछे पड़ जाएगी। क्या है फिर, रुक जा, पता नहीं अभी आ जाएगी तो। ओहो कहाँ से कुछ। अरे 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 तुम दोनों मुँह छुपाकर कहाँ जा रही हो? अरे इस तरह से तो वो मुँह छुपाती है जिनके मन में चोर होता है। चाची हमारे मन में कोई चोर नहीं है, हमने क्या किया है? अरे मेरे बेटे मदन के साथ ज्यादती की है ना तुम दोनों ने। हमने ज्यादती की है? और आपका बेटा वो तो बहुत दूर का धुला है ना। मैं जानती हूँ तुम दोनों के मन में उसके लिए जहर है, मेरा बेटा घर नहीं लौटा ना, क्या किया तुम दोनों ने उसके साथ? हमने कुछ नहीं किया उसके साथ, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ रिपोर्ट लिखाने के लिए, अगर मेरा बेटा घर नहीं आया ना तो तुम दोनों देखना मैं क्या करती हूँ। सर इस आदमी की जेब से वॉलेट आईडी वगैरह कुछ भी नहीं है, पर ये लोगो है फास्ट कैब सर्विस, हो सकता है ये टैक्सी ड्राइवर है। शरीर पे कोई खरोच वगैरह भी नहीं है, इसके बॉडी से तो बताना मुश्किल है कि इसकी मौत कैसे हुई होगी। आप शुरू से डिटेल में बताइए कि ये आदमी एग्जैक्टली मरा कैसे है। सर ये मेरी वाइफ है, हम तो सिर्फ मेडिकल स्टोर पर दवाइयां लेने आए थे और फिर अचानक तो
ये आदमी ऐसे ही अचानक गिर पड़ा और मर गया। सर हम सच बोल रहे हैं सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। सर हाँ? सर ये देखिए, इसके बैग में बहुत सारा कैश मिला है सर, लगभग 8 से 10 लाख रुपए होंगे। सर एक टैक्सी ड्राइवर के पास इतना सारा कैश, मतलब ये आदमी कुछ गड़बड़ था। सर हो सकता है इतना सारा पैसा कहीं से लूट कर लेकर आया हुआ ये। सर मुझे लगा वो बहुत ज्यादा पिया हुआ था। शराब तो नहीं पिया इसने? सर सर ये देखिए, नाक और कान में से खून निकल रहा है। पैसे जहर दिया गया है और शायद इन पैसों की वजह से इस ड्राइवर का खून किया गया। सर हमें तो पहले पता था कि आदमी मरने वाला है। पहले से पता था? जी हाँ। पहले से कैसे पता था कि आदमी मरने वाला? इसकी मौत की भविष्यवाणी तो पहले ही करके गया था वो। कौन भविष्यवाणी कर गया इसके मरने की? सर वो पता नहीं सर कौन था, कॉफी शॉप में पैसे मांग रहा था। क्या हुआ, कौन मरने वाला है? अरे वो टैक्सी ड्राइवर पीछे वाली गली में मेडिकल शॉप के सामने। वो आदमी आप लोगों से पैसे मांग रहा था इस टैक्सी ड्राइवर को बचाने के लिए? सर यही सुन के तो हम भी हैरान हो गए थे। मतलब उस आदमी ने खूनी का चेहरा देखा होगा। कहाँ था वो आदमी, किस तरफ गया? नहीं सर, हमें नहीं पता। ओ जयंती पंच, इस टैक्सी कंपनी में फोन करके इस ड्राइवर की पूरी डिटेल्स निकालो। तब तक हम लोग आसपास छानबीन करते हैं, शायद वो भविष्यवाणी करने वाला आदमी मिल जाए। सर और आप तीनों अब आइए हमारे साथ। अरे जल्दी ले आओ ना यार खाना। अरे मोहिनी प्लीज ले आओ खाना, बहुत भूख लग रही, मर जाऊंगा भूख के मारे। सॉरी डार्लिंग, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, आज घर पे खाना नहीं बना है। खाना नहीं बना क्यों? बावर्ची आया ही नहीं, निकाल दो तुम उसे, किसी दूसरे को रख लो। इसका मतलब है जब तक नया बावर्ची नहीं आता है मैं भूखा ही रहूंगा। यार तुम खुद खाना नहीं बना सकती हो क्या? बना तो लेती पर मैंने मैनिक्योर किया था ना, नाखून खराब हो जाते। तुम बाहर से कुछ मंगवा लो ना। हाँ अब तो वही करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, मेरे लिए जलेबी भी ऑर्डर कर देना, सुबह से कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। वैसे तुमने आज मेरी तारीफ नहीं की, खूबसूरत नहीं लग रही क्या मैं? लग रही हो ना, तुम तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हो, उसमें नई बात क्या है? नई बात है मेरे ये इयररिंग्स, तुमने नोटिस ही नहीं किए। अरे किए ना, बहुत अच्छे हैं। पता नहीं क्यों मैंने तुमसे शादी कर ली, भगवान ने ऐसा पति दिया है जिसे मेरी सुंदरता की कोई कदर नहीं है। जाके मोहल्ले का मौसम देखो, लोग मेरी तारीफ करते नहीं थकते हैं। हाँ बॉस, एक ऑर्डर नोट कर लो, एक हैदराबादी बिरयानी और एक प्लेट जलेबी। एड्रेस है C41 नेपसराय इग्निश रोड। यार थोड़ा जल्दी भिजवाना, बहुत भूख लग रही है। हाँ थैंक यू। तुम्हें सिर्फ अपनी भूख की पड़ी है, मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अरे यार परवाह है ना, क्यों नहीं है परवाह? आप देखो ना दरवाजे पे कौन है। हाँ हाँ जा रही हूँ। क्यों? अब ऊपर तीसरे कमरे की बीच वाली अलमारी में अब दो प्रेमी डांस कर रहे हैं, मुझे उनसे मिलना है। हाँ? प्रेमी डांस कर रहे अलमारी में? हाँ। अरे भाई कौन डांस कर रहा है, कौन है? मालूम है। अरे मालूम नहीं तो इतनी देर से क्या बातें कर रही हो उससे? हेलो भाई साहब, क्या क्या चाहिए? ऊपर के तीसरे कमरे की बीच वाली अलमारी में दो प्रेमी डांस कर रहे हैं, मुझे मिलना है उनसे प्लीज। हाँ तीसरे कमरे में अलमारी तो है पर इन्हें कैसे पता?
ये सब बहाने हैं घर में घुसने के। खूबसूरती देख के लट्टू हो गए हैं भाई साहब। हे भगवान, तुम किसी के सामने कुछ भी बोल देती हो। हाँ, अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ इनसे। मैं क्यों अंदर जाऊँ? जो बात करनी है मेरे सामने करो। भाई साहब बताइए, कौन है आप, किससे मिलना है, क्या काम है? अरे बोला ना, ऊपर दो प्रेमी डांस कर रहे हैं, मुझे उनसे मिलना है प्लीज। कहा था ना मैंने, दीवाने हैं ये मेरे। मैडम ये तुम्हारे दीवाने नहीं है, ये ना दिमाग के दीवाने हैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, यार यहाँ पे ना कोई नहीं है, कोई प्रेमी प्रेमी नहीं है, कोई प्यार यार नहीं है, कोई डांस नहीं हो रहा। जाइए। ठीक है, अभी जा रहा हूँ, दोबारा जरूर आऊंगा। वो जो ऊपर डांस कर रहे हैं ना, मिलना है उनसे। कोई जरूरत नहीं है दोबारा आने की। हाँ प्लीज जाइए। हाँ सर, आपने जो फोटो भेजी थी मरे हुए टैक्सी ड्राइवर की, वो मिली हमको। नहीं सर, वो हमारी कंपनी में काम नहीं करता था। सर अगर टैक्सी ड्राइवर उस कंपनी का था ही नहीं, तो उसके पास ड्रेस आई कहाँ से? सचिन, शहर में ऐसी कई दुकानें हैं जो इस तरह के कपड़े भाड़े पर देते हैं ना, नाटक वालों के लिए, सिनेमा वालों के लिए, टेलीविजन वालों के लिए। बस ऐसी किसी दुकान से उसने कपड़े भाड़े पर लिए होंगे। ओके। हाँ सर, बचपन में मेरे स्कूल में भी हुआ था फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, आलू बना था मैं उसमें। हे भगवान। सर, यही पास में एक फैंसी ड्रेस के कपड़ों की दुकान है। बस तो चलो। खुशामदीद। अरे तलवार नीचे कीजिए, आप नीचे कीजिए। कौन है आप? अब अपनी तारीफ क्या करें जिल्ले इलाही, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। नाचीज को चुन्नी लाल कहते हैं, इस बड़ी सी दुकान का छोटा सा मालिक चुन्नी लाल। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? मालिक की दुकान चुन्नी लाल जी, जरा इस तस्वीर को देखिए और बताइए, क्या आपने इस आदमी को कभी देखा है? चेहरा तो जरा देखा हुआ सा मालूम होता है। अरे हां, ये तो मदन है। मदन? कौन मदन? अनकार है जनाब, बड़े पर्दे का शौकीन, इस शहर में अपनी फनकारी दिखाने आया है। पिचकारी? कौन सी पिचकारी? अरे भाई साहब, होली तो कब की बीत चुकी है। क्या सुन रहे हो फ्रेडी, पिचकारी नहीं बोला वो, फनकार, फनकार, एक्टर, एक्टर है ना वो। अच्छा एक बात बताइए, ये जो लिबास इतने पहना है, आप ही की इस दुकान का है ना? जी हाँ जनाब, लिबास तो ये हमारी ही दुकान का है, मगर उस पर ये जो बिल्ला लगा है वो हमारा नहीं है। बिल्ला? अरे भाई साहब, आपको इस फोटो में बिल्ला कहां से नजर आ रहा है? मुझे तो बिल्ली भी नजर नहीं आ रही है। बड़ी, यहां बिल्ले और बिल्ली की बात नहीं हो रही। ये देखो, इस फोटो में जो टैग लगा है ना, इसकी बात कर रहे हैं, बिल्ला। जी हाँ जनाब, उस टैग के बारे में ही गुफ्तगू हो रही है, मगर एक बात बताइए जनाब, ये मदन इस तस्वीर में इस तरह से लेटा हुआ क्यों है? किसी लाश का किरदार निभा रहा है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन एक बात बताइए जापना, क्या ये मदन आपकी इस दुकान में अक्सर आया करता था नए नए लिबास लेने के लिए? जी हाँ जनाब, मगर उस बेचारे का हाथ जरा तंग रहता था, कभी भी पूरी कीमत चुका ही नहीं पाता था। मगर हम ठहरे, रहम दिल शहंशाह जिल्ले इलाही, हमने कहा बरखुरदार, कोई बात नहीं, जब बड़े पर्दे के बड़े सितारे बन जाओ तब चांद से हमारी मुलाकात करवा देना, सारी रकम वसूल हो जाएगी। वाह भाई साहब, आपकी वाइफ तो बड़ी खुश रहती होगी ना आपसे। जब भी आप मुंह खोलते हो, आपके मुंह से गुलाब के फूल झड़ते हैं। जनाब, आपके ही कानों में रस घुला हुआ है, वरना घर में तो हम अक्सर डांट ही खाया करते हैं। अच्छा, फिर तो हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। आप हो गए
अच्छा जहां आपने एक बात बताई, क्या मदन ने कुछ बताया था वो कहां जाने वाला है, कहां जा रहा है, बताया था? जनाब ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, मगर ये जरूर कह रहा था कि एक दो दिन में हमारी सारी रकम चुका देगा। लगता है कोई बड़ा रोल हाथ में आ गया है। अब कौन सा बड़ा रोल इस मदन को मिला था ये तो वही लोग बता सकते हैं। कौन लोग सर? कास्टिंग डायरेक्टर्स देवंती, कास्टिंग डायरेक्टर्स जो फिल्मों में टेलीविजन में रोल्स दिलाते हैं एक्टर्स को। इसी इलाके में आया था वो आदमी। हाँ यहाँ पर। हाँ अगर यहाँ पे आया था वो आदमी तो उसका चेहरा जरूर इस दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया होगा। पिछले 3 घंटे में ये सीसीटीवी कैमरा थोड़ी देर के लिए भी ऑफ तो नहीं किया था? नहीं सर, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ। सर यही है ये काले कपड़ों वाला, यही है वो आदमी। ये? हाँ। ये तो नेट सर की तरफ जा रहा है। जरा इस आदमी के चेहरे पे जूम कर। यस सर। तो ये है श्रेया, नेत्रसराय की तरफ जितने भी दुकानें हैं, एटीएम है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए, उन सबको ये फोटो भेज दो और उनसे पूछो कि पिछले 3 घंटे के उनके फुटेज में ये आदमी कहीं दिखाई देता है क्या, और अगर हाँ तो हमें इन्फॉर्म करना है। सब इसकी प्लीज आप हिम्मत मत हारिए, आपके बेटे की हम जरूर सजा दिलवा कर ही रहेंगे। सर मैं जानती हूँ मेरे बेटे का खूनी कौन है। कौन हो सकता है? हैरी, ये जरूर उसी का ही काम है। ये हैरी है कौन? हमारा है एक नंबर का वो। कहाँ रहता है ये हैरी? सर, वो जा रहा है बाइक पर। ए, रुक, रुक, नीचे उधर। तुम हैरी हो? हाँ मेरा नाम हैरी है। फिर बताओ क्यों जहर देकर मारा मदन को? सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं मदन को क्यों जहर दूंगा? झूठ मत बोल, एक बार तूने मदन की ऐसी पिटाई की थी कि वो हफ्ता भर चल नहीं पाया था। हाँ मैम की थी पिटाई, मानता हूँ मैं, उसे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ दिन दहाड़े छेड़छाड़ की थी। सर अगर आपको यकीन ना है तो आप मेरी गर्लफ्रेंड माया से पूछ सकते हैं। माया नाम है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? सर बाकी दुकानों के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उस आदमी को आखिरी बार इसी एरिया में देखा गया, और उसके अगले सीसीटीवी कैमरा में वो दिखा नहीं है, इसका मतलब वो यही कहीं आसपास ही है। निखिल केले खाओगे? केले? हाँ बहुत अच्छा फल है, बहुत पोटेशियम होता है, आयरन होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, खाओ। और कभी कभी सुराग भी मिल जाते हैं। भाई साहब इस आदमी को देखा है यहाँ कुछ घंटे पहले? इसे अभी आया था मेरी दुकान पर। केले खरीदने आया था? नहीं साहब केले नहीं, पैसे मांगने आया था। पैसे? हाँ काफी परेशान लग रहा था और कह रहा था कि किसी टैक्सी ड्राइवर की जान बचाना है इसलिए पैसे चाहिए उसको। फिर क्या किया तुमने? साहब करता भी क्या, मेरा भाई भी टैक्सी ड्राइवर है इसलिए 10 का नोट थमा दिया मैंने उसे। ठीक है ठीक है, ये बता वो गया किस तरह? साहब इधर ही इस गली में गया साहब। यहाँ पर? हाँ साहब। शुक्रिया जी साहब। जा रहे हो खेलने कूदने? हम लोग बस यहीं तक। ये फोटो देखो, इस आदमी को पहचानते हो? अरे यही तो वो गुंडा है जो बार बार मेरे घर पर आकर मेरी बीवी को छेड़ रहा है। हम लोग इसी को सबक सिखाने जा रहे हैं। इसने आपकी बीवी को भी छेड़ा है क्या? हम लोग CID से। ओ। और ये हॉकी स्टिक खेलने के लिए है, कानून को हाथ में लेने के लिए नहीं। खबरदार आइंदा ऐसा कुछ किया तो, समझे? सॉरी सर,
सर लेकिन सीआईडी से ढूंढ रही है, ये बहुत बड़ा मुजरिम है क्या? वो तो पता चल जाएगा। तुम जानते हो ये कहाँ रहता? नहीं सर, हम लोग बस उसका घर ढूंढने के लिए निकले थे। लेकिन हाँ सर, उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे घर पर दोबारा आएगा। ठीक है, तुम्हारे घर चलते हैं। आइए सर, तुम लोग जाओ। माया जल्दी आओ, लगता है अंकल आ गए। रूपा चाची आप? माया कहाँ है? अंदर है। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तुम्हारा? हमने क्या किया? अरे तुमने और हैरी ने मिलकर उसे जहर देकर मार डाला। रूपा जी जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैम आप मेरे साथ आइए प्लीज, मुझे डिटेल में बताइए क्या हुआ। आइए आइए। हम लोग सीआईडी से, जो कुछ भी हुआ है साफ साफ बताना। सर वो मदन हमें बहुत परेशान किया करता था, हम जब भी कहीं बाहर आते जाते हमें हमेशा परेशान करता। तो इसीलिए तुमने उसे जहर देकर मार डाला? नहीं सर, माया खून नहीं कर सकती है। तुम कौन हो? मैं प्रीति सर, माया की दोस्त हूँ। सर माया बहुत परेशान है दो दिन से, और ऊपर से अब आप ये सब। परेशान? क्या परेशानी क्या है? मेरे अंकल गायब हैं। वो दो दिन पहले अमेरिका से आने वाले थे, वो एयरपोर्ट भी पहुंच गए थे, लेकिन एयरपोर्ट से न जाने वो कहां गायब हो गए। वो अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। उनका कोई फोटोग्राफ है तुम्हारे पास? जी सर, एक मिनट। सर हमने उन्हें बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, पर उनका कहीं कुछ पता नहीं चला सर। ये है तुम्हारे चाचू? जी सर। जी सर। मैडम अगर तुम्हारे अंकल दो दिन पहले अमेरिका से आए हैं तो फिर मदन के मौत की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? भविष्यवाणी? तुम्हारे ये अंकल जानते थे कि मदन की मौत कब होने वाली है? अंकल को पता था, लेकिन ये कैसे हुआ? वही हम पता लगाएंगे, लेकिन जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तुम लोग शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ऐसा भी क्या बिगाड़ा था उस बेचारे ने जो तुमने घर में सीआईडी वालों की फौज इकट्ठा कर ली? जो बातें तुम्हारी समझ से परे हो ना, उनके बारे में कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है, समझी? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते, जलते हो तुम उससे। So, वो बेचारा अच्छा आदमी लग रहा था, मेरे पति को ना पसंद नहीं है कोई मेरी खूबसूरती की तारीफ करे तो। वैसे ये सारी काफी जचती है मुझ पे। आई थिंक दिस कलर लुक्स गुड ऑन मी, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छी लगती है साड़ी। थैंक यू। लगता है आ गया बेचारा। एक मिनट आप रुकिए, मैं देखता हूँ। वो दीजिए ना प्लीज, वही अब बीच वाली अलमारी में जो प्रेमी डांस कर रहे हैं, दीजिए ना प्लीज, मुझे मुझे मिलना है उनसे। दो प्रेमी अलमारी के ड्रॉअर में डांस कर रहे हैं? हाँ सर, देखा सर, मैंने कहा था ना आपसे सर, पता नहीं इस आदमी को कैसे पता चल गया कि हमारे घर के ऊपर वाले कमरे में तीन अलमारियां हैं। आप मुझे वो अलमारी दिखाओ। जी सर। आप अंदर आइए। हाँ आइए। आइए सर, आइए सर। ये सारा सामान पिछले मकान मालिक का है, और ये अलमारी भी, इसी अलमारी की बात कर रहा था। बीच वाली अलमारी। इसकी बात कर रहा था वो। ये देखिए, इन्हीं प्रेमियों की तलाश थी ना आपको। थैंक यू सो मच,
थैंक यू सो मच। यही तो है वो, यही तो ढूंढ रहा था मैं। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा उपकार किया है मुझ पर। थैंक यू सो मच। हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, आप आइए हमारे साथ, आइए कम। थैंक यू सर। खूबसूरती खूबसूरती खूबसूरती, ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहा? क्या पता, बात करके देख। खूबसूरती, क्या आप जानते हैं खूबसूरती क्या होती है? हाँ हम जानते हैं खूबसूरती क्या है। क्या होती है खूबसूरती? खूबसूरती मतलब कुछ नहीं पता आपको खूबसूरती के बारे में, आप में से किसी को कुछ भी नहीं पता। मैं जानता हूं खूबसूरती क्या होती है। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। हमें से कोई नहीं जानता है कि खूबसूरती क्या होती है। अब आप हमें बताइए खूबसूरती क्या होती है। खूबसूरती हरी चूड़ियां, खूबसूरत सुल्फे और हाथ मेहंदी वाले हाथ। ओके ये आपको तो बहुत ज्ञान है खूबसूरती के बारे में। क्योंकि मुझे खूबसूरती का ज्ञान हो चुका है। बस जिस तरीके से आदमी बातें कर रहा है, बहुत वक्त लगेगा इसे जमीन पे आने में। वक्त 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 की बात है खूबसूरती, वक्त मोहताज है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक काम कीजिए, आप वहां आइए। आइए आइए। लंबे बाल, सुनिए लंबे बाल, हाँ वो भी है खूबसूरत। कम कम काले लंबे बाल, काली आंखें, मैंने बताया था काली आंखें। हाँ बिल्कुल बताया था। आप बैठिए। नहीं मैंने मैंने पहले बताया था काली आंखें। हाँ बताया था वेरी गुड वेरी गुड। काम काम काली आंखें। हाँ बैठिए। यहाँ देखिए जरा अपनी आंखों को खोल के। यहाँ गुड। Oh my God! क्या हुआ? क्या हुआ इसे? ये देखो बस, इसकी आंखों की पुतलियां गौर से देखो। इसकी पुतलियां जरूरत से ज्यादा बड़ी हैं। तो? धुंधली भी हैं। सर लेकिन इसका क्या मतलब? का मतलब ये है कि इस इंसान को कोई ऐसी चीज दी गई है, कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा जहर, जिससे इसकी नर्व्स पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। और इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। क्योंकि इसे कभी कभी बहुत कुछ याद आ जाता है, कभी कभी ये इंसान सब कुछ भूल जाता है। अच्छा मतलब मदन को बचाने के लिए मदद मांगने गया था तब सड़के। जल्दी से जल्दी पता लगा ये कौन सा जहर है जो इन्हें दिया गया है। अंकल थैंक गॉड आप ठीक हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे मैंने आपके लिए कितनी प्रार्थना की है। I'm sorry, पर आप कौन हैं? अंकल मैं माया, आपके दोस्त अशोक की बेटी। आप मुझे भूल गए? माया तेरे बाजू में आओ। सर इन्हें क्या हुआ है? माया घबराओ मत, तुम्हारे अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। पहले ये बताओ कि तुम्हारे अंकल इंडिया क्यों आ गए? सर वो तो मुझे भी नहीं पता, पर आज से 2 साल पहले इनकी वाइफ कली और उनके भाई विक्रम पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गए। इन्होंने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की लेकिन वो नहीं मिले और उसी गम में वो इंडिया छोड़ के चले गए। इन दोनों के फोटोग्राफ से कली और विक्रम के? हाँ जी सर। दिखाओ जरा। ये इनकी वाइफ कली और ये इनके भाई विक्रम। कली और विक्रम नीरज की पत्नी और नीरज का भाई। अचानक गायब कैसे हो गए दोनों भी? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के साथ कुछ हो गया? हो सकता है। सर मैंने नीरज के फोन रिकॉर्ड चेक किए, उन्हें अमेरिका में किसी रवि नाम के आदमी ने कई दफा फोन किए। ये रवि पोपटवाड़ी चाल में रहता है, सुपारी लेके खून करता है। अच्छा
रवि पोपटवाड़ी चाल में रहता है, कॉन्ट्रैक्ट किलर। अपना तो काम यही है, बोल किसे उड़ाना है। एक गुंडा है। वैसे भी इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा तो मैं ही हूँ, मगर एक बात याद रख, पैसा पूरा एडवांस चाहिए, चलेगा? हाँ हाँ, आप पैसे की चिंता मत करो, पैसा मैं पाने की तरह बाद हूँ। क्या बात है, इतना बेसब्र है उसे मरने के लिए। जरा उसका नाम तो बता, और वो रहता कहाँ है भाई? उसका नाम क्या? हाँ रवि है, रवि, पोपटवाड़ी चाल में रहता है वो। साला तो मेरी सुपारी मुझे ही दे रहा है, काट डालूंगा एक बार सामने, अब काट डालूंगा। सामने नहीं, मैं पीछे खड़ा हूँ, जरा पीछे मुड़ के देख। कौन है तू? छोटा सा प्यारा सा नाम है, सीआईडी। सीआईडी? खा खा के दांत सड़ गए होंगे, मरम्मत की जरूरत है। अब बता, नीरज को फोन करके तूने ही बुलाया था ना? हाँ सर, मैंने ही नीरज को अमेरिका से यहाँ बुलाने के लिए फोन किया था, लेकिन सर मैंने ये अपने बॉस के कहने पे किया सर। कौन है तेरा बॉस? सर वो तो देश छोड़ के चला गया सर। अच्छा बहाना है। मैडम ये बहाना नहीं है मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। सच है या झूठ हम पता कर लेंगे, तू ये बता के क्या कह के नीरज को यहाँ पे बुलाया था? सर मैंने उसे लालच दिया था कि अगर अपनी बीवी के बारे में जानना है तो मैं उसे बहुत कुछ बता सकता हूँ सर। क्या बता सकता? बता हा? क्या बता सकते हो? यही कि सर मैंने उसकी बीवी और उसके भाई को मैंने मारा सर। बेटा तू तो चढ़ गया फांसी, अब चढ़ गया तो फांसी। नहीं नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं सुधर जाऊंगा सर। अब तो अगले जन्म में तुझे सुधरने का मौका मिलेगा। तू ये बता के किसके कहने पे तूने फोन किया था, कौन है वो? सर वो औरत उस वक्त वहाँ मौजूद थी सर, जब मैंने नीरज की बीवी और उसके भाई को मारा था। कौन है वो औरत? उसका एड्रेस नंबर कुछ तो होगा तुम्हारे पास? नहीं सर कुछ भी नहीं है सर, वो जब भी उसे जरूरत होती थी सर वो मुझे कॉल करती थी। और हाँ सर, लास्ट टाइम उसने कॉल करके ये बोला था कि मैं देश छोड़ के जा रही हूँ सर, बस सर, और मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। ऐसे कैसे चली जाएगी? तू ये बता वो लाशें कहाँ हैं उन दोनों की? संभल के आराम से।
दो दो मुर्दे। फ्रेडी तरफ प्लास्टिक बिछाओ। हाँ सचिन, एकदम आराम से कंकाल को निकालते हैं। दोनों गाड़ी चेक करो अच्छी तरह से। यस सर। अंदर से बाहर से अच्छी तरह से देखो। पेल्विक गर्डल को देख के लगता है ये लाश लड़की की है। और सर ये स्केलेटन किसी आदमी का लगता है। हाँ, मतलब हमारा इंफॉर्मेशन सही था जो रवि ने दिया था। उसने कहा था ना, नीरज का भाई और उसकी बीवी कली दोनों को मारा गया है। ये लाशें उन दोनों की ही है। सर, फुटमैट के नीचे ये सोने का कड़ा मिला है। सोने का कड़ा फुटमैट के नीचे, ये जरूर कली की ही होगी। सर, डैशबोर्ड में ये पॉलिथिन का बैग मिला है सर, पर पानी की वजह से काफी खराब हो गया। खोलो जरा इसे। जयवंती, ये तो फोटोग्राफ्स लगते हैं। लेकिन सर, इन फोटोग्राफ से क्या पता चलेगा, ये तो पूरी तरह खराब हो गए हैं। जयवंती हाँ, पर एक आदमी है जो इस कीचड़ में से चेहरे बाहर निकाल सकता है। बॉस, नीरज के शरीर में भी वही जहर है जो मदन के शरीर में, और जल्दी अगर ये जहर नहीं निकाला गया तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। मगर सर, ये कैसे हो सकता है? जिस जहर से नीरज बच गया उसी जहर से मदन की जान चली गई। वो इसलिए सचिन, क्योंकि हर इंसान का शरीर और उसका इम्यून सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करता है। मैंने एक इंजेक्शन दे दिया है, शायद जहर निकल जाएगा। यार सारंगे, ये तो नीरज की बीवी कली है और उसका भाई विक्रम है ये। अच्छा, फोटोग्राफ्स का क्या हुआ? हाँ, फोटो हाँ साफ हुआ है सालूम के साथ। फ्रेडी, जल्दी का काम शैतान का होता है, समझे? नहीं समझ होती तो ये बोलता। वाह रे वाह सड़ुंके वाह, तूने तो कमाल कर दी। एक ही चाल में शह भी दी और माद भी। हेलो, अरे कहाँ हो? बाहर आओ, देखो मैं आ गया। अच्छा, छुपन छुपाई का खेल मेरे साथ? हाँ, देखो मैं 10 तक गिनूंगा, बाहर आ जाओ वरना ठीक नहीं होगा। थापा। ओह, तुम हो? क्या हुआ? अब मुझे हराना है क्या? हाँ, नहीं इस बार जीतने की बारी मेरी है। बारी तो अभी मेरी है। तुझे क्या लगा था तू बच जाएगा?
तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब इसके बदले में मुझे तेरी जिंदगी चाहिए। अलविदा नीरज। अलविदा नीरज नहीं, अलविदा प्रीति। मैं प्रीति सर, माया की दोस्त हूँ। ओह, तो तू अपने साथ सीआईडी वालों को लेकर आया था, मतलब तू बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। इसके शरीर में जो जहर था वो हमने निकाल लिया है। तुम्हारा दाव तुम पे उल्टा पड़ गया। मगर अब ये नहीं बचेगा। बहुत हो गई तेरी होशियारी। बताओ क्यों मारा तुमने कली और विक्रम को? क्योंकि मैं विक्रम से शादी कर चुकी थी, मगर कली ने ये शादी मानने से साफ इनकार कर दिया था। उन्हें मनाने के लिए मैंने उन्हें झील के किनारे बुलाया था। यहाँ क्यों बुलाया हमें? क्यों बुलाया मतलब? मुझे मेरे पति से मिलने की कोई वजह चाहिए क्या? ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, मेरा भाई तुम्हारा कोई पति वती नहीं है। ओवर स्मार्ट? मेरी प्यारी ननद जी, ये देखिए हमारी रिश्तेदारी का सबूत। तेरी चालबाजियां मैं अच्छी तरह समझती हूँ। समझती हो तो फिर तय कर लो ना। बोलो कितने लाख दोगी? लाख? अरे तुझे तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। विक्रम चलो यहाँ से। ठीक है ननद जी, अगर आपने मर्यादा नहीं रखी हमारे रिश्ते की तो मैं क्यों रखूं? अरे क्या करे? फेंक दो इन्हें पानी में। प्रीति, कली और विक्रम को तो तुमने मार ही डाला, और फिर नीरज को मारने का सोचा है ना? जहर ऐसा असर करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिस मदन को उसे मारने के लिए पैसे दिए उसने खुद ही जहर छू लिया और मर गया। न जाने कितने मासूम लोगों को धोखा दिया तुमने उनसे शादी करके और पैसे ऐड कर, और ये सब करने में दो लोगों की जाने भी ली तुमने। तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।